बाहरी ब्रह्मांड में ब्लैक होल की मौजूदगी हमें ग्रेविटी की घटना को अच्छे से समझने में मदद करती है, वहीं दूसरी गैलेक्सीज का अस्तित्व हमारे इस एहसास को और मजबूत करता है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है। ये सच है कि अंतरिक्ष की इस विशालता में पाए जाने वाली दुनिया, एलियन लाइफ और ब्रह्मांडीय मलबे की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नए निष्कर्षों में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़े पुराने और भूखे ब्लैक होल की खोज की है। इस ब्लैक होल के बारे में दिलचस्प फैक्ट ये है कि ये बिग बैंग के ठीक 100 मिलियन साल बाद बना था। ये ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी को खा रहा है और जल्द ही अपनी रोशनी खो सकता है। लेकिन क्या ये भयानक खोज वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकती है? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। ब्रह्मांड के फॉर्मेशन से जुड़े सारे फैक्ट्स और प्रूफ स्थापित करने के सालों बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पुराने भूखे ब्लैक होल का पता लगाया है। लाखों सालों के इसके अस्तित्व और विशाल द्रव्यमान ने एस्ट्रोनॉमर्स को स्तब्ध कर दिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ब्रह्मांड में सबसे पुराने ब्लैक होल में से एक की खोज की है, जिसने बिग बैंग के ठीक बाद अपना सफर शुरू किया। बिग बैंग कॉस्मोलॉजी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले बना था और नया खोजा गया ब्लैक होल बिग बैंग के 400 मिलियन साल बाद का है। इसके बारे में ज्यादा जानने से पहले आइए पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ये अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। इस तरह के बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के पीछे चीजों को एक छोटी सी जगह में निचोड़ने के प्रोसेस को बड़ी वजह माना जाता है। ऐसी घटना तब होती है जब प्रकाश बाहर न निकल पाने की वजह से तारे मरने के कगार पर होते हैं। शोध के प्रमुख लेखक प्रोफेसर रोबर्टो मेओलिनो ने JWST की मदद से आकाशगंगा GNZ-11 के सेंटर में एक विशाल ब्लैक होल को सफलतापूर्वक देखा। उनके पास अब तक के ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी का रिकॉर्ड था। GNZ-11 का द्रव्यमान 1% है और ये लगभग 20 गुना तेजी से नए तारे बनाता है। तो एक ऐसी गैलेक्सी जो बाहरी ब्रह्मांड में असाधारण रूप से चमक रही है और जिसकी स्टेलार उम्र 40 मिलियन साल आकी गई है और ये उम्मीद से ज्यादा तेजी से तारे बना रही है, इसने शोधकर्ताओं को इसके अंदर एक ब्लैक होल की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। ये ब्लैक होल सूरज से करीब 6 मिलियन गुना बड़ा है और अपने आसपास की गैलेक्सी से 5 गुना ज्यादा तेजी से चीजों को खा रहा है। हालांकि इस विशाल ब्लैक होल के उत्सर्जन गुण और प्रकृति एस्ट्रोनॉमर्स को थोड़ा परेशानी में डाल रखा है। स्टडी के को ऑथर मिशेल पर्ना के मुताबिक इस सबसे पुराने ब्लैक होल का चमत्कार अजीब है। आमतौर पर ब्लैक होल का आकार और द्रव्यमान उसकी गैलेक्सी के मुकाबले में सिर्फ 1 अंश होता है, लेकिन गैलेक्सी GNZ-11 के मामले में ऐसा नहीं है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ब्लैक होल इसके विकास को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये कुछ गैस तूफान की तरह गैलेक्सी में फेंकता है, इसे तारे का बनना रुक सकता है। खैर, अगर ऐसा होता है तो ये ब्लैक होल गैलेक्सी को जीवन से वंचित कर देगा, यहाँ तक कि उसके खाने के स्रोत को भी बर्बाद कर देगा। बिग बैंग के कुछ मिलियन साल बाद किसी तारे का बनना और इतनी जल्दी ब्लैक होल बन जाना एक वैज्ञानिक चमत्कार ही है। जैसा कि वैज्ञानिक इस रहस्यमय ब्लैक होल को बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे की स्टडी कर रहे हैं, ये खोज पहले से ही ये समझने में एक बड़ा कदम है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल सूरज के लाखों अरबों गुना के बराबर द्रव्यमान तक कैसे पहुँचे। ऐसे में ये प्राचीन ब्लैक होल और कौन से नए राज का खुलासा करेगा? क्या ये आखिरकार हमें बिग बैंग थ्योरी की वैधता पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।